हेलो गाइज, वेलकम टू ची वाईएस। माई नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम 24 सितंबर का प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। करेक्ट ऑप्शन बताना है नो चेंजर्स के द्वारा जो कंस्ट्रक्टिव वर्क किया गया था। पहला स्टेटमेंट है कि खादी पॉपुलर हुई थी लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट टास्क हो गया था ये, क्योंकि खादी कॉस्टलियर थी इम्पोर्टेड क्लॉथ से। बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट है कि नेशनल एजुकेशन ने केवल अर्बन लोअर मिडिल क्लासेस और रिच पीजेंट्स को ही बेनिफिट किया, ये भी सही है। डेप्थ में चले जाते हैं थोड़ा। नॉन कॉपरेशन खत्म हो गया, इसके बाद लीडर्स बट गए, कुछ बन गए स्वराजिस्ट, कुछ बन गए नो चेंजर्स। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खान, ये सब जो है आपके आपके स्वराजिस्ट बन गए। स्वराजिस्ट मतलब क्या? ये चाहते थे कि हम लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेचर है उसमें जाए और वहाँ पे जाके सरकार को क्रिटिसाइज़ करें। कुल मिला के जो हमने इलेक्शन को बायकट करने का सोचा है उसको बायकट ना करें और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके ही सरकार की धज्जियाँ उड़ाई जाए। तो ये चाहते थे कि नया फ्रंट खोले एक, हम वो भी संसद में जाके। तो कुल मिला के इन्होंने जो है आगे बढ़ने की पेशकश की स्वराजिस्ट ने, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खान। वहीं एक तरफ नो चेंजर्स थे, राजेंद्र प्रसाद, एम ए अंसारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सी राजगोपालचारी। ये सब क्या चाहते थे कि चेंज कुछ भी नहीं हो, जो हम करते हुए आ रहे हैं ग्राउंड लेवल पे वही करते रहे, जैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी, खादी, अनटचबिलिटी को हटाना, जो रिवोल्यूशनरी काम है ग्राउंड लेवल पे वही करें, सरकार के साथ हाथ भी नहीं बढ़ाएं, हाथ भी मतलब कुल मिला के नॉन कोऑपरेशन जो है कंटिन्यू होना चाहिए, भले ही जैसे वो ऑफिशियल फॉर्मल जो है नाम पे वो नहीं हो। कौन कौन थे नो चेंजर्स? सी आर दास, राजेंद्र प्रसाद, पटेल साहब, ठीक है, ये सब थे। अब बात क्या हुई, किसकी माने, नो चेंजर्स की माने कि स्वराजिस्ट की माने? गया सेशन आया 1922 का, प्रेसिडेंट कौन थे? सी आर दास। सेक्रेटरी कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अब ये लोग दोनों स्वराजिस्ट भी थे तो इन्होंने प्रपोजल डाला अपना कि भैया ऐसी ऐसी बात है, हम इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे और सरकार की स्थिति ऐसी तैसी करेंगे। मानी नहीं कांग्रेस तो फिर इनको रिज़ाइन करना पड़ा, नाराज होकर सी आर दास ने रिज़ाइन कर दिया प्रेसिडेंटशिप से और मोतीलाल नेहरू ने अपनी सेक्रेटरी से कर दिया। फिर क्या करें रिज़ाइन करके? तो इन्होंने क्या किया, कांग्रेस स्वराजिस्ट पार्टी खोल दी, ठीक है, कांग्रेस स्वराजिस्ट पार्टी। हालांकि अब गांधी जी को लगा कि भैया बट नहीं जाए कांग्रेस पूरी तरीके से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो है पार्टी खोल लो, चुनाव भी लड़ लो, लेकिन कांग्रेस के अंदर कांग्रेस नहीं बटनी चाहिए, भले ही आप चाहे आपकी मन की कर जो कर लो जो आप करना चाहते हो इलेक्शन लड़ के काउंसिल्स में जाके, पर कांग्रेस के अंदर, विद इन द कांग्रेस, ठीक है। बात बन गई, लड़ाई टल गई। फिर कुछ अचीवमेंट्स हुए इनके इलेक्शन जीतने के बाद, इन्होंने कुछ कई जगह तो इन्होंने गठबंधन के साथ पार्टीज के साथ मिलके सरकार बनाई, कहीं पे अकेले बना ली। तो जो स्वराजिस्ट थे उन्होंने काफ़ी धज्जियाँ उड़ाई सरकार की, मोंटेगू स्कीम को क्रिटिसाइज़ किया और पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 उसको डिफीट किया। ये बिल क्यों आया था पब्लिक सेफ्टी बिल, मैं बता देता हूँ। जो इतने सारे फॉरेनर्स आ रहे थे इंडिया में, इंडिया को आज़ादी दिलाने, उनको अंग्रेज बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन इनकी वजह से बिल डिफीट हो गया। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया, मोशंस काफ़ी ज़्यादा पास किए, आउट वोट किया। विठल भाई जो थे हमारे, विठल भाई पटेल कौन थे मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद विठल भाई थे, वो हमारे इलेक्टेड स्पीकर थे 1928 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, इससे बड़ी सक्सेस की बात क्या हो सकती है। और काफ़ी क्रिटिसाइज किया और कल मिला के इन्होंने खालीपन नहीं रहना दिया, मतलब सरकार जहाँ पे अपने मन के लोग भर देती उसकी जगह खुद आके जो है उस जगह को कैसे ना कैसे वो कंटिन्यू करते रहे एज अ रिवोल्यूशनरी, आप कह सकते हो जील के साथ इन्होंने जो है काम करना शुरू किया। नो चेंजर्स ने भी काम किया, नो चेंजर्स ने जो है ज़मीन पर रह के नेशनल स्कूल्स खोले, आश्रम खोले, खादी को पॉपुलराइज़ किया, अनटचबिलिटी को दूर भगाने की कोशिश की, यूनिटी फैलाई, हिंदू मुसलमान एक रहे, लड़े झगड़े नहीं और साथ में रहे, मिलके रहे, और एजुकेशन के लिए काम किया, खादी के लिए काम किया, और कुल मिला के इन्होंने जो है ग्राउंड लेवल पे जो लोगों की जो आप कह सकते हो एक मोटिवेशन था उसको नहीं हटने दिया, मोटिवेट करते गई है। अब दोनों में अचीवमेंट बता दिए, दोनों की कमी बता देता हूँ। नो चेंजर्स की कमी ये थी, ग्राउंड लेवल पे आपको सब सही दिख रहा होगा, लेकिन बात ये था कि जो एजुकेशन इन्होंने खोली, जो स्कूल्स खोले इन्होंने, इनमें वही बच्चे आते थे जो अमीरों के हो। पहला स्टेटमेंट भी तो, दूसरा स्टेटमेंट भी तो यही है इस क्वेश्चन में, देखो अर्बन लोअर मिडिल क्लास को बेनिफिट किया, रिच पीजेंट्स को क्या? बिल्कुल, क्योंकि फीस लगती है ना भैया, और जाएंगे वही ना पढ़ने जिनके पास, जिनके घर में ऑलरेडी बहुत पैसा है। और आए भी क्यों बच्चे, नौकरियों की लालच में, कोई देश से प्यार इतना नहीं था उस टाइम पे, था, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिच पीजेंट्स मोस्टली स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं रीज़न यही है कि वो जो आए थे केवल नौकरियों की लालच में, तो क्यों ना आए, बच्चे नौकरियों के लालच में नहीं आएंगे तो किसके लालच में आएंगे। तो एक ड्रॉबैक था ये।
दूसरी बात खादी बहुत महंगी थी, तीसरी बात अनटचेबल्स के लिए इन्होंने काम किया, लोअर कास्ट के लिए काम किया। दिक्कत ये आई कि जो एग्रीकल्चर लेबर थे उनकी इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस को सुलझाने की कोशिश नहीं की। जो एग्रीकल्चर लेबरर्स थे, लैंडलेस थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी ना, तो ये बात है। खादी भी थोड़ी महंगी थी इम्पोर्टेड क्लॉथ से। भाई इम्पोर्टेड क्लॉथ फेमस क्यों हुआ? कॉस्टलियर था, इस वजह से तो हुआ। वरना खादी पहले क्यों, खादी नहीं हो जाती क्या पहले फेमस? खादी को पॉपुलराइज करने की कोशिश इसलिए की गई इमोशनल तरीके से, सस्ती हो जाती खादी तो अपने आप ही ले लेते ना, मोटिवेशन की जरूरत क्या पड़ती। तो पॉपुलराइज करने की कोशिश की गई, खादी बढ़िया भी थी उस टाइम पर लेकिन कॉस्टलियर थी। बात यह, तो ये समझ में आ गया आपको, नो चेंजेस की ड्रॉबैक्स। अच्छा, स्वराजिस्ट के क्या थे? ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट नहीं रह पाए, कहीं ना कहीं अलग थलग रह गए और लालच, ऑफिस के लालच में ही रह गए। ठीक है, ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट नहीं हो पाए ये लोगों से, है ना। तो ये जो है थोड़ी दिक्कत आ गई थी। तो हो गया रिवीजन, चलिए नीचे आते हैं। माफ़ कीजिएगा ज़्यादा डिटेल में बता दिया। तो करेक्ट ऑप्शन बताइए, पहला स्टेटमेंट है सिटिंग प्रेसिडेंट जो है वो 5 साल, अच्छा, एक मिनट, सिटिंग प्रेसिडेंट जो है एब्सेंस या फिर इलनेस में अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज नहीं कर पाए तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह आते हैं जब तक नया प्रेसिडेंट ना आ जाए। गलत भैया, जब बीमार हुआ है या एबसेंट हुआ है तो नया प्रेसिडेंट क्यों आएगा? वही आ जाएगा ना जो बीमार हुआ है। वैकेंट थोड़ी हुई है सीट, वैकेंट का मतलब होता है भैया गया, रिज़ाइन कर दिया, डेथ हो गई या फिर अब एक्सपायर हो गया टर्म, ठीक है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट आएगा ना इसकी जगह, तो नया क्यों आएगा उसके बाद प्रेसिडेंट? वही प्रेसिडेंट लौट के आ जाएगा, समझ रहे हो ना। वैकेंसी और एब्सेंसी में बहुत, एब्सेंस होना और वैकेंट होना बहुत फ़र्क होता है। एब्सेंट यानी इलनेस के लिए, इन छोटे टर्म के लिए कहीं चला गया घूमने, बीमार हो गया, तब तो वापस लौट के आ जाएगा ना, नया प्रेसिडेंट लाने की क्या ज़रूरत है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हुए वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा की ड्यूटी भी, जो चेयरमैन की ड्यूटी वो भी करता रहता है। गलत, दोनों काम कैसे करेगा? तो सिंपल सी चीज़ है, लेकिन बी आंसर होना चाहिए था। और बच्चे जो है, सॉरी डी, अच्छा इसमें करेक्ट पूछ रहा है, सॉरी दोनों जो है यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पहला जो स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि एक तो वैकेंट हो तब नया प्रेसिडेंट आता है, एब्सेंस हो तो वाइस प्रेसिडेंट आता है, वो भी 6 महीने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट आता है वो भी 6 महीने के लिए आता है मैक्सिमम, ठीक है, उसके बाद वही प्रेसिडेंट आ जाएगा। और 6 महीने में भी ऐसे मान लो अगर यहाँ पे वो प्रेसिडेंट लौट के नहीं आता है, फिर चाहे वो हो जाएगा इलेक्शन, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि न्यू प्रेसिडेंट ही आएगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन आपका एक्सप्लेनेशन भेजा था लक्ष्मीकांत का, कि जब डेथ हो जाए, रिमूवल हो जाए, तब जाके प्रेसिडेंट यहाँ पे जो है, तब भी वो प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने के लिए। भाई जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाए 6 महीने के लिए कर सकता है ना, लेकिन जब एब्सेंट है, इलनेस है या फिर कोई छोटा मोटा कारण है तो नया प्रेसिडेंट क्यों आएगा? प्रेसिडेंट रिज्यूम करेगा ना अपने ऑफिस को। ये देखिए आप, ये देखिए, वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज हिज फंक्शंस अंटिल द प्रेसिडेंट रिज्यूम्स इज ऑफिस। तो एब्सेंट होएगा तब नया क्यों प्रेसिडेंट आएगा? तब तो वही प्रेसिडेंट रिज्यूम कर रहेगा ना ऑफिस आके। करेक्ट ऑप्शन बताना है, वाइस प्रेसिडेंट 5 साल से ज़्यादा अपना टर्म आगे नहीं, ज़्यादा ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के जो मतलब 5 साल का जो टर्म होता है उससे पहले ही होना होता है, अगली साल का अगला जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसका इलेक्शन, मतलब वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है 5 साल के लिए होता है। तो ये कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है 5 साल के बाद ठहर ही नहीं सकता ऑफिस में, क्योंकि जो इलेक्शन होना होता है अगले वाइस प्रेसिडेंट का वो पहले हो जाता है। भैया ऐसी बात है कि जो ये जो दूसरे नंबर की चीज़ है ना, कि एक्सपायरेशन जब होती है वाइस प्रेसिडेंट की, उससे पहले ही अगले प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाए, तो ये बात तो सही है, ताकि ऐसा नहीं हो कि वाइस प्रेसिडेंट चला गया, अब इलेक्शन करने में देरी हो गई, अब जाने अगला वाला कब आएगा। नहीं, वाइस प्रेसिडेंट के रहते रहते ही अगले वाले वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव करवा लो, इलेक्शन करवा लो। लेकिन बात यह है कि जरूरी थोड़ी इलेक्शन करते उसी दिन आ जाएगा ऑफिस में, जाके बैठ जाएगा, जैसे जीजा बैठ जाता है आपके दूल्हे की सीट पे कि भैया अब मैं नहीं उठूंगा यहाँ से, ऐसा नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट जो है 5 साल जो है तक तो रहता ही है, उसके बाद भी वाइस प्रेसिडेंट रह सकता है जब तक कि नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाए। हालांकि नए वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव पहले ही हो जाता है, समझ रहे हो ना, वाइस प्रेसिडेंट का जो 5 साल का टर्म होता है उससे पहले ही अगले वाले वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाता है, ताकि वो फिक्स हो जाए कि भैया इसके बाद ये आएंगे, ठीक है। और जब तक वो नहीं आएंगे 5 साल के बाद भी पुराना वाला वाइस प्रेसिडेंट ही बैठा रहता है, जब तक ऑफिस को चार्ज में नहीं ले ले, ऑफिस होल्ड ना कर ले, समझ रहे हो ना। तो 5 साल के बाद भी होल्ड कर सकता है। पहला स्टेटमेंट की पहला क्लोज गलत है, लेकिन दूसरा सही है कि इलेक्शन तो पहले ही होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस से रिमूव नहीं किया जा सकता, अच्छा रिमूव किया जा सकता है टर्म होने से पहले बिना किसी फॉर्मल इम्पीचमेंट के, बिल्कुल सही बात। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, समझ आ रहे हैं ना। वाइस प्रेसिडेंट का जो
टर्म होता है 5 साल का होता है, अगला जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका चुनाव पहले हो जाता है, ताकि ये जब चले जाए तो जस्ट उसके बाद दूसरा वाला आ जाए, गैप नहीं हो जाए, बस गैप नहीं रहे कैसे ना कैसे। हालांकि दूसरा वाला जब तक नहीं आए, मान लो किसी वजह से डिले हो गया, तो पहला वाला वाइस प्रेसिडेंट भी कंटिन्यू कर सकता है जब तक दूसरा वाला ना आ जाए। दूसरी बात, वाइस प्रेसिडेंट का टर्म फिक्स है 5 साल का कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, बहुत फर्क है। कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स कर गया 5 साल, लेकिन टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है 5 साल से पहले तुम्हारा बाप नहीं हटा सकता उसको, लेकिन हटा सकता है कौन, प्रेसिडेंट। 5 साल से पहले, सॉरी माफ़ कीजिए, वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं, रिमूवल हो जाता है 5 साल से पहले, ठीक है, 5 साल से पहले हटा सकते हैं उसको, प्रेसिडेंट नहीं हटाएगा, प्रेसिडेंट तो गवर्नर को हटाता है। वाइस प्रेसिडेंट का बकायदा रिमूवल होता है, वो भी राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी के जरिए और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी के जरिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका रिमूवल होता है, इम्पीचमेंट नहीं होता। इम्पीचमेंट केवल केवल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट का होता है, फॉर्मल इम्पीचमेंट इसका नहीं होता वाइस प्रेसिडेंट का। 5 साल से पहले भी रिमूव कर सकते हैं, और रिमूवल प्रोसेस होता है पूरा राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से, राज्यसभा में ही स्टार्ट हो सकती है वैसे भी प्रोसीडिंग इसकी रिमूवल की, वाइस प्रेसिडेंट की, और कहीं नहीं हो सकती। तो राज्यसभा में स्टार्ट हुई, इफेक्टिव मेजोरिटी ने हाँ की, फिर लोकसभा में जाएगा सिंपल मेजोरिटी में, यहाँ पे आपका जो है अगर हो गया पास फिर तो यहाँ पे आपका जो है वाइस प्रेसिडेंट आपका रिमूव हो जाएगा, समझ रहे हो ना। पर इसमें फॉर्मल इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं है, इम्पीचमेंट केवल प्रेसिडेंट का होता है। और ग्राउंड भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई, जैसे प्रेसिडेंट का तो फिक्स है, बताओ प्रेसिडेंट की रिमूव इम्पीचमेंट का क्या ग्राउंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, बोलो बोलो। वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए ऐसा कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है। लगे अगर राज्यसभा को भैया गलत काम है, ये सही नहीं कर रहे हैं आदमी, तो कर दो चार्ज शुरू, हाँ कर दो इफेक्टिव मेजोरिटी से, लोकसभा पहुँचा दो फिर, समझ रहे हो ना। तो ये आपको बात समझनी पड़ेगी। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट की जगह डेथ हो जाए, तो अगला जो वाइस प्रेसिडेंट आएगा, मान लो वाइस प्रेसिडेंट 5 साल के लिए और 3 साल में डेथ हो जाए, तो अगला जो वाइस प्रेसिडेंट आएगा वो कितने टर्म के लिए आएगा, बचे हुए टर्म के लिए या पूरे 5 साल के लिए? पूरे 5 साल के लिए आएगा। न्यूली जो प्रेसिडेंट आएगा फुल 5 टर्म के लिए आएगा। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि राज्यसभा का जब मेंबर की डेथ होती है ना, राज्यसभा के मेंबर कितने टर्म होती है, 6 साल की, तो राज्यसभा के मेंबर की जब डेथ होती है ना, मान लो 3 साल में हो गई, तो अगला जो आता है ना वो 3 साल के लिए होता है, वो फुल टर्म के लिए नहीं आता, ये डिफरेंस है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो केवल और केवल नया वाइस प्रेसिडेंट आता है जब डेथ होती है पहले वाले की, तो पूरे टर्म के साथ आता है वो, लेकिन राज्यसभा का जब मेंबर मर जाता है तो नया जो आता है वो रिमेनिंग टर्म के लिए आता है, और बाय इलेक्शन कहते हैं, जब एक सीट के लिए चुनाव होते हैं ना बीच में ही, उसको बाय इलेक्शन कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन बताना। राजा राम मोहन रॉय मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच में विश्वास रखते थे, बिल्कुल सही। नया रिलीजन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, बिल्कुल गलत। और किसी भी स्क्रिप्चर को अल्टीमेट अथॉरिटी का स्टेटस देने से मना कर दिया, डिनाई कर दिया, बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, पहला और थर्ड यहाँ पे सही है। मैंने गलती से इसको जो है डी कर दिया था, लेकिन याद रखिएगा आप, ठीक है। तो होता क्या है कि आप एक बात समझिए, नया रिलीजन एस्टेब्लिश क्यों करेंगे, कहीं पढ़ा है आपने? नहीं। राज्यसभा राजा राम मोहन रॉय जो थे, इन्होंने गिफ्ट टू मोनोथेसिस लिखी, परसेप्ट ऑफ जीजस लिखा, आत्मीय सभा फाउंडेशन किया शायद 1814 में, और फिर शायद 18 देखना एक बार ध्यान से 1824-18 में जो है इन्होंने ब्रह्मो समाज खोला, ठीक है, ब्रह्मो सभा, पहले ब्रह्मो सभा थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय साइंटिफिक अप्रोच में विश्वास करते थे, और इन्होंने जो है पहले ब्रह्मो सभा खोला, फिर ब्रह्मो समाज हो गया, फिर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया हो गया। तो कुल मिला के बात यह है कि नया रिलीजन नहीं लाना चाहते थे, रिफॉर्म करना चाहते थे एग्जिस्टिंग हिंदुइज्म में, और उसमें भी ये किसी भी स्क्रिप्चर को इतनी अथॉरिटी नहीं देते थे। हाँ, एक तर्क देते थे कि भैया देखो वेदों में ये लिख रखा है कि ये चीज़ें गलत है, कास्ट नहीं, कास्ट रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, तो वो ये कहते थे, सपोर्ट ले लेते थे। दयानंद सरस्वती जैसे थे, उनकी तरह नहीं थे कि पूरी तरीके वेदा को सुप्रीम बता दिया, नहीं। राजा राम मोहन रॉय किसी भी स्क्रिप्चर को अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं देते थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। करेक्ट ऑप्शन बताना है कि सोशल इक्वालिटी और मोनोथिज्म का समर्थन करते हुए राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेयर ने जो स्कूल खोला था, हिंदू कॉलेज खोला था, उसको क्रिटिसाइज किया? नहीं, डेविड हेयर को हिंदू कॉलेज का एस्टेब्लिश करने में राजा राम मोहन रॉय ने उल्टा मदद की थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि राजा राम मोहन रॉय ने सोशल रिलीजियस इशूज़ के लिए कैंपेन किया, लेकिन इकोनॉमिक इशूज़ पर ध्यान नहीं दिया, यह भी गलत। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि बात भैया बात ऐसी है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना करने में राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेयर की मदद की थी, लेकिन कई बार हमको लगता है कि सोशल रिलीजियस इशूज़ में ही इन्होंने काम किया, इकोनॉमिक में काम नहीं किया, गलत। इकोनॉमिक इशूज़ बहुत उठाए इन्होंने, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, लेबर, एग्रीकल्चर, बहुत सारे इशूज़, पढ़ना स्पेक्ट्रम में। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है,
मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा आगे, आपको देखिए ये रही एक्सप्लेनेशन। ये बंगाली जमींदार्स मैक्सिमम रेंट और इन सब के इशूज़ इन्होंने उठाए, ठीक है, जो ओप्रेसिव प्रैक्टिसेस थी जमींदार की, बंगाली जमींदार्स की, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ की बात की इन्होंने, इंडियन गुड्स की बात की, सर्विसेज की बात करी, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट करने की बात की, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और क्या क्या, ठीक है, तो याद रखेंगे आप ये, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। पहला स्टेटमेंट है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल फेडरेशन को छोड़ दिया था इस टाइम पे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया, ज्वाइन कर लिया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रगल में विश्वास करते थे। गलत, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उल्टा INC को छोड़ दिया था और इंडियन नेशनल फेडरेशन को ज्वाइन कर लिया था। गलत है, समझाऊँ क्यों भाई? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नाराज हो गए थे कांग्रेस वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी से, क्यों? मॉन्टफोर्ड स्कीम आई थी, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड स्कीम, तो उसको काफ़ी सपोर्ट किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, INC ने अपोज किया था, तो INC इंटरनेशनल कांग्रेस ने इनको निकाल दिया या खुद छोड़ के चले गए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये गुस्सा हो गए थे। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सी राजगोपालचारी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। गलत, उल्टा छोड़ दी थी भाई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे नॉन कोऑपरेट करना था सरकार के साथ, तो लॉयर तो नॉन कोऑपरेट ऐसे ही करेंगे ना, लॉ की प्रैक्टिस छोड़ के केसेस को सुलटाने में मदद करेंगे, तो गवर्नमेंट का कोऑपरेशन हो गया ना, तो इतना तो ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। पहले स्टेटमेंट अपन ने पढ़ा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नाराज हो गए थे, और भी नाराज हुए थे नॉन कोऑपरेशन के मूवमेंट के टाइम पे, जिन्ना, एनी बेसेंट और BC पाल, ये सब नाराज हो गए थे। अपनी अपनी वजह थी, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी की तो ये वजह थी कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड स्कीम को सपोर्ट किया था जो कांग्रेस को पसंद नहीं आया। अच्छा, जलियांवाला बाग मास्केर हुआ था तो किसने रिजाइन कर दिया था असेंबली में से? MMM, किसने? MMM मतलब मदन मोहन मालवीय, मजहूर उल हक और मोहम्मद अली जिन्ना। बाकी किसी ने किया होगा तो पता नहीं, लेकिन ऐसा तो सबने किया था, सारे इलेक्टेड मेंबर्स ने कर दिया था, लेकिन ये तीन जो है आपको नाम याद रखना, इंक्लूडिंग, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन बताना है। सुप्रीम कोर्ट जजेस प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और वो प्रेसिडेंट के प्लेजर में ऑफिस होल्ड करते हैं। गलत, प्रेसिडेंट का प्लेजर मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे मर्जी हटा दे, हटा सकता है सुप्रीम कोर्ट को? नहीं हटा सकता, पूरा एक प्रोसीजर होता है, आपने पढ़ा होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, तो एलिमिनेशन हो सकता है इसमें भी। दूसरा स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट की सीट दिल्ली डिक्लेयर कर रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, हाँ बिल्कुल सही। तीसरा स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जो भी कंटेम्प्ट किया ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, उस पर्सन को पनिश कर सकता है, बिल्कुल सही। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। अब बात यह कि पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है, मैंने समझा दिया आपको भैया। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है कि प्रेसिडेंट जब मर्जी जाए हटा दे, खिलौना है क्या सुप्रीम कोर्ट जज जो हटा दिया? ऐसे थोड़ी हटा सकता, पूरा बकायदा प्रोसीजर है, पढ़ना जजेस वाले चैप्टर में आप। दूसरा स्टेटमेंट है कि दिल्ली को सीट डिक्लेयर करके सुप्रीम कोर्ट की, बिल्कुल सही। चेंज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसकी कंसल्टेशन से करेगा? प्रेसिडेंट कंसल्टेशन से, समझे। तीसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बहुत न्यूज़ में सबसे पहला केस कौन सा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का? मूलगांवकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, मूलगांवकर प्रिंसिपल भी कहते हैं, जो हमको आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इतना ज़्यादा जो एक निकल के आया है पूरा कानून, वो इन्हीं प्रिंसिपल्स की मदद से तो आया है, याद रखना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो एक तो सुप्रीम कोर्ट का है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, और हाई कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट में क्या दे रखा है, शायद 125 है, मैं देख के बताता हूँ आपको, माफ़ कीजिएगा, आर्टिकल 129 है सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए और अपनी कंटेम्प्ट हुई उसको पनिश करने की पावर इसके पास होनी चाहिए। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि अपने ही जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है, ये चेंज कर सकता है, बिल्कुल सही। और कंटेम्प्ट जो होता है इसका खुद का, उसको पनिश कर सकता है, बिल्कुल सही। और ऐसा ही हाई कोर्ट में 215 में, 129 सुप्रीम कोर्ट के लिए है और 215 आपके हाई कोर्ट के लिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए पनिश की पावर दे दी और सबॉर्डिनेट कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए पावर दे दी सुप्रीम कोर्ट को, और ट्रिब्यूनल्स के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को पावर दे रखी है। हाई कोर्ट खुद के कंटेम्प्ट को पनिश कर सकता है और
सबॉर्डिनेट कोर्ट के कंटेम्प्ट को पनिश कर सकता है। सुप्रीम हाई कोर्ट खुद के और उसके नीचे वाले, सुप्रीम कोर्ट के कैसे करेगा हाई कोर्ट, वो तो उससे ऊपर हो गया ना। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कर सकता है, खुद के कर सकता है, सबॉर्डिनेट कोर्ट के कर सकता है, हाई कोर्ट खुद के और उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट को कर सकता है। ट्रिब्यूनल्स की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही पनिश करेगा, और साथ में ट्रिब्यूनल्स एक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, खासकर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, वो खुद की कंटेम्प्ट को पनिश कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सारे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, बाकी सबकी कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितनी सजा होती है, कितनी सजा होती है बताओ, 2000 रुपये का फाइन लगता है और 6 महीने की सजा होती है दोनों। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिसोबीडियंस करते हो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की तो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सिविल ऑफेंस। और क्रिमिनल क्या होता है, स्कैंडलाइज करना सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को, प्रेजुडिस या फिर इंटरफेरेंस करना, ये सब होता है। ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको याद रखना है। मूलगांवकर केस था पहला, मूलगांवकर प्रिंसिपल की वजह से आज ये इतना बड़ा निकल के आया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या डिटरमाइन करता है, गवर्नर के अलाउंस, गवर्नर के प्रिविलेजेस, या गवर्नमेंट कितनी रेंट देगा अपने ऑफिशियल रेसिडेंट्स के लिए, तीनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, पहली बात तो ऑफिशियल रेसिडेंट जो होता है गवर्नर का क्या होता है, राजभवन। प्रेसिडेंट का कौन सा होता है, राष्ट्रपति भवन। दोनों अपनी फीस नहीं चुकाते, प्रेसिडेंट रेंट नहीं देता, एक प्रिविलेज है प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और गवर्नर को भी प्रिविलेज है कि राजभवन का रेंट वो नहीं देगा। भैया रेंट कितना होगा पता भी होगा उसका आपको, राजभवन राष्ट्रपति का अगर रेंट देने लग जाए तो सैलरी कम पड़ जाएगी इनकी, तो और ये प्रिविलेज है ना इनका भैया, तो बात ये है। ठीक है, तो पहली बात तो जब इनका रेंट ही नहीं होता तो डिसाइड कैसे करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो तीसरा जो था अगर आप एलिमिनेट कर सकते थे ए और सी, बचा क्या देख लो आराम से। और अलाउंसेज और प्रिविलेजेस और सैलरी कौन डिसाइड करता है, गवर्नर की, पार्लियामेंट, कौन करता है, पार्लियामेंट। फिर प्रेसिडेंट क्या डिसाइड करता है, जब एक गवर्नर दो स्टेट के लिए काम करने लग जाए तो सैलरी दोनों स्टेट में कैसे बटेगी गवर्नर की, वो डिसाइड करता है आपका प्रेसिडेंट। नॉर्मली कौन डिसाइड करता है सैलरी और अलाउंसेज और इनॉलमेंट्स वगैरह, ये प्रिविलेजेस वगैरह, पार्लियामेंट। और ऐसे कौन डिसाइड करता है यहाँ पे आपका, ऐसे कौन डिसाइड करेगा आपका, प्रेसिडेंट। जब एक ही पर्सन दो और मोर स्टेट्स के लिए गवर्नर बन जाए तो इमोलमेंट्स, अलाउमेंट्स, यहाँ पे सब जो है प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ऐसे अलाउंसेस और ऐसे सैलरी वगैरह इनोलमेंट्स जो होते हैं कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट। अच्छा एक बात याद रखें, यहाँ पे मैं इनोलमेंट्स और अलाउंसेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सैलरी भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है, वो उसमें ही आ गया बिल्कुल। और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट ने 2008 में बढ़ाई भी थी, और बाकी उसके बाद पता नहीं मुझे, तो और ये ध्यान रखना आप। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होते हैं स्टेट के सरकार के, वो किसके नाम पे होते हैं, गवर्नर के नाम पे होते हैं ऑफ कोर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट में किसके नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे, सबसे पहला आर्टिकल ये है। यूनियन वाले चैप्टर में आर्टिकल 53 क्या कहता है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। अच्छा एक बात याद रखना, पॉलिटिकली जो एक्ट होते हैं ना आपके, बेयर एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है उनको प्रिंट करवा लो, कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिनल उसके साथ पढ़ा करो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।